ॐ सूर्याय नमः, ॐ मित्राय नमः, ॐ रवये नमः, ॐ भानवे नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ गाय नमः, ॐ सवित्रे अगर आगे चले तो शायद कभी न थकने वाले सूर्य के सहस्र नाम सुनते सुनते आप थक जाएंगे। हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल में ही सूर्य का बखान करती हैं ऋचाएं, और सूर्य से मिली अग्नि से ही शुरू होती है ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि, जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा में थी। अग्नि जो दावानल और ज्वालामुखी में प्रलयंकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी। अग्नि जो चौखट पर पहरेदार तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद थी। तभी तो भारत ही नहीं, पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इंती, अफ्रीका में लीजा, फारस में अगी, चीन में झुरान, जापान में कागुत्सुची और कोजिन, तुर्की में अलाज, यूनान में हेफेस्टोस हेलिकॉस और रोमनों में वाल्केन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा, और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से गढ़ दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने सात श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और दो पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति। हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यंभावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है, और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दूभर हो जाता है। पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है,
और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है, कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है। सूर्य के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना, आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अमेरिका के इंका काल के सूर्य उपासना स्तूप, मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर, रोम और यूनान, चीन और जापान, मेसोपोटामिया और ईरान के सूर्य मंदिर और भी दुनिया भर में न जाने कितनी सभ्यताओं ने अपनी अपनी तरह की सूर्य उपासना और मंदिर परिसर देखे हैं। उत्तर में कश्मीर में बना मारतंड मंदिर, जहां भारत भर के मंदिर परिसरों में सबसे विशाल है, तो पूर्व में ओडिशा का कोणार्क मंदिर सबसे वैभवशाली, पूर्वोत्तर में असम और मणिपुर के सुंदर सूर्य मंदिर देखते बनते हैं, तो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि के सूर्य मंडप अपनी अलग छटा रखते हैं। उधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में भी सूर्य मंदिरों की हार माला सी बनी है। किंतु यदि मैं कहूं कि देश के पश्चिम में अपने गर्वी गुजरात में, अपने इस मोढेरा में सदियों से स्थित आपके सामने खड़ा यह सूर्य मंदिर संसार का सबसे विलक्षण, विचित्र, वैविध्यपूर्ण, सुंदर, सुरूप, सुघड़ और सुघर मंदिर है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्यारहवीं सदी में चालुक्य घराने के सूर्यवंशी सोलंकी सम्राट भीम देव प्रथम ने तो यहां एक चमत्कार ही कर दिखाया। सम्राट भीमदेव प्रथम एक बड़े वीर और प्रतापी राजा थे। एक तरफ उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी से टक्कर ली और उसके तोड़े सोमनाथ को दोबारा से खड़ा किया, तो वहीं पूरे गुजरात में तमाम नए किले, मंदिर, तालाब और वाव बनवाए। उनके अद्भुत शिल्प प्रेम के आज तक साक्षी हैं सिद्धपुर का रुद्र महालय, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, आबू
और देलवाड़ा के मंदिर। वहीं उनकी प्रिय पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी रानी की वाव। किंतु इन सारे स्थापत्य और शिल्प के नमूनों से कहीं ऊपर था राजा भीमदेव का पुष्पावती नदी के किनारे सन 1026-27 में करवाया इस सूर्य मंदिर का निर्माण। मेहसाणा से 20 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में आज नदी भले थोड़ी दूर चली गई हो, पर मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड इस सुंदर परिदृश्य में पानी की कमी खलने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश पुंज और जल का यह खेल पूरे परिसर को तरंगित और झंकृत करता रहता है। मंदिर के ठीक सामने बने विशाल कुंड में 108 छोटे बड़े मंदिर और उनमें रखी विविध देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को एक अलग खास चरित्र दे देती हैं। इसका एक और नाम है रामकुंड, और क्यों ना हो, जबकि यहां विस्तृत धर्मारण्य वन क्षेत्र में ही श्री राम ने मोढ़ेरक का निर्माण करवाया था। इस कुंड के पानी में मंदिर इस तरह प्रतिबिंबित होता है कि लगता है मानो अग्नि और जल घुल मिलकर कोई खेल खेल रहे हो। तालाब की तरफ से सीढ़ियां चढ़ते ही एक सुंदर तोरण आपका स्वागत करता है। तोरण से होते हुए जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक नया संसार सामने आ खड़ा होता है। मंदिर के सभा मंडप के सोपान पर बने 12 खंभे साल के 12 मास दिखाते हैं, तो 12 आदित्य और 12 गौरी भी यहां पत्थर पर उकेरी गई हैं। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर में शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी विद्यमान है, और इस मंडप के हर कोने में खड़े हैं 10 लोकपाल यानी इंद्र, वायु, अग्नि और कुबेर जैसे देव। आज भी हजारों तीर्थयात्री यहां उत्तरार्ध महोत्सव मनाने और सूर्य को प्रणाम करने आते हैं। इस हेरिटेज साइट पर हजारों देशी विदेशी सैलानी भारत के इस विलक्षण सूर्य मंदिर को देखने, समझने, इसकी वैज्ञानिक पहेलियों को बूझने चले आते हैं। संसार और विशेषकर भारत में बने अधिकतर सूर्य मंदिरों की तरह मोढ़ेरा के मंदिर को बहुत वैज्ञानिक सोच समझ से बनाया गया है। पूर्व पश्चिम धुरी पर पूर्वोन्मुखी यह मंदिर इस तरह रचा गया है कि विषुव पर्व के दिन यानी उस दिन जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं, सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा पर ही गिरती थी। आज हमने सूर्य की कृपा को एक अलग तरह से भी बटोरना, सहेजना और संभालना शुरू कर दिया है, सोलर पावर या सौर ऊर्जा के रूप में। आज जब हमें अपनी धरती और पर्यावरण को खनन और प्रदूषण से बचाना है, तो ऐसे में भी सूर्य देवता ही तो हमारे सबसे बड़े मित्र बनकर सामने प्रकट हुए हैं। यहां बैठकर जो शो आप देख रहे हैं वो भी
दिन में इकट्ठी की गई सौर ऊर्जा से ही चल रहा है। और क्यों ना हो, जब हमारा भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन और नीतियों से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बनाने वाला राष्ट्र बन गया है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने नहरों तक पर सोलर पैनल लगा दिए और जिसकी चर्चा विदेशों में तक में हुई। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। आज भले ही इस मंदिर से सूर्य की मूर्ति हट गई हो, पर सूर्य ने अपनी कृपा दृष्टि कभी हमारे संसार से नहीं हटाई। हम तो बस मोढेरा के सूर्य मंदिर में फिर आए हैं। और कवि प्रदीप की लिखी पंक्तियों से आकाश में विद्यमान सूर्य से गुहार लगाएं कि जगत भर की जिंदगी के लिए, करोड़ों की रोशनी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। Otan.